हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज अपने चैनल लर्न मोर कंप्यूटर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट जो सीरीज़ मैंने एक्सेल की चालू की है उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हुआ आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में, बेसिक फॉर्मुलेशन के बारे में बताऊँगा। तो आज मैं वो बेसिक फॉर्मूले लेकर आप सबके सामने आया हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मेरी डेस्कटॉप आइकन पर ये एक्सेल का आइकन है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, एक्सेल स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने आज की क्लासेस को लेने के लिए एक फ़ाइल ऑलरेडी बना रखी है लर्न मोर कंप्यूटर्स के नाम से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल बेसिक फॉर्मूलाज, जिसमें सम कैसे करते हैं, एवरेज कैसे करते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं वैल्यूज़, मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, काउंट का फंक्शन क्या होता है, काउंट ए का फंक्शन क्या होता है, लेन का फंक्शन क्या होता है, ट्रिम का फंक्शन क्या होता है। और दोस्तों इतने ही नहीं, बेसिक्स एक्सेल में इतने ही फॉर्मूले नहीं हैं, इससे भी और ज़्यादा फॉर्मूले हैं। लेकिन मैं एक छोटी छोटी वीडियोस आपको बना करके दूंगा ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो और इजी से आप समझें और आपको समझ में भी आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सेल सेल बेसिस का वर्क है। और सॉरी दोस्तों, मैं लास्ट वीडियोस में एक चीज़ बताना आपको भूल गया था कि जैसे ये टैब्स हैं, टैब्स में दूसरी चीज़ होती हैं ग्रुप्स, और हर ग्रुप्स के नीचे एक ये एरो बना हुआ होता है। इस एरो पर भी आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पॉपअप मेन्यू एक्टिवेटेड होता है। इसके अंदर जो कमांड्स होती हैं उनको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस यहाँ से मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो टेबल बना रखी है वो क्या है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जिसमें मैं आपको ये सभी फॉर्मूलेज को लगा करके, इन सभी फॉर्मूलेज का इस्तेमाल कैसे होता है उनको लगा करके बताऊँगा आपको। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के नेम्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर सब्जेक्ट नेम डाल रखा है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप बनाओ तो थोड़ा अट्रैक्टिव अगर आप बनाते हो, अच्छा लगता है, तो ही उसको करने में मज़ा आता है। तो जैसे कि मैंने बना रखी है यहाँ पर टेबल, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, साइंस है। मेरे पास पांच सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं ये। इन सभी की, पाँचों सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं निकालना चाहता हूँ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का टोटल क्या आता है, टोटल उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और एवरेज कितना है उसका टोटल, और उसका मैक्सिमम सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स कौन सा है, किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स ले रखे हैं, और वो मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू क्या है, और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ सब्जेक्ट्स वैल्यूज़ कि इन पांचों सब्जेक्ट में जो सबसे कम नंबर है वो कितना है, वो यहाँ पर निकल कर आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला सम कैसे लगाते हैं। देखिए, एक्सेल में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैथमेटिकल इक्वेशंस करने के लिए एक्सेल बहुत ईजी वर्क होता है, और बार बार आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो आप इस सेल पर क्लिक करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। इस सेल का रेफरेंस क्या है, G4, बिकॉज क्योंकि हम क्या हैं, कॉलम नंबर G और रॉ नंबर 4 पर हैं, इसलिए ये G4 क्या है, इसका सेल रेफरेंस है। एज इट इज़ ये देखिए, यहाँ पर B और 4, B नंबर कॉलम पर हम हैं और 4 नंबर रॉस पर हैं। एज इट इज़ यहाँ पर F कॉलम है और ये 4 नंबर की रॉज है। यानी कि हमारा अगर अमित कुमार एक स्टूडेंट है, उसका अगर हमें सब्जेक्ट का टोटल करना है तो उसके कौन से सेल रेफरेंस से, B4 से लेकर के F4 तक का टोटल करना है, B4, C4, D4, E4 एंड F4। और अगर सेल की रेंज देखी जाए तो क्या है, B4 से लेकर के F4 तक। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं हम इक्वल्स टू। कोई भी फॉर्मुलेशन एक्सेल में अगर आप लगाएंगे तो उसके लिए आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना मैंडेटरी होता है। अगर आप बिना किसी इक्वल टू साइन के, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ सम, और ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये नहीं जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, और यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे सम। सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ तो ये पूछता है कौन से नंबर से, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। अब इससे आगे जाने के लिए आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है, कीबोर्ड की शिफ्ट की, शिफ्ट की को प्रेस करके कीबोर्ड में राइट एरो की को आप प्रेस करेंगे तो आप वहाँ तक इसका सिलेक्शन करते हुए चले जाएंगे जहाँ तक आपको सेल की रेंज चाहिए, या फिर आप अपने माउस से इस सेल से क्लिक करते हुए यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपका टोटल निकल करके आ जाता है। जैसे देखिए कैसे, सम लिखेंगे,
ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक को ड्रैग करते हुए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। एज इट इज़ अगर आप सभी सभी के सभी सेल्स में एक साथ टोटल चाहते हैं तो सभी के सभी सेल्स को पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए और इक्वल्स टू का सिंबल लगा करके सम लिखेंगे। एक सेल एक्टिव है, बाकी आपके इनएक्टिव सेल्स हैं, उन सभी सेल्स में ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ सम लिख के इक्वल्स टू लगा करके सम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो पहले सेल से आप ड्रैग करते हुए आपके F4 सेल तक, B4 से F4 तक सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आप एंटर की प्रेस करेंगे तो एक ही सेल में आएगा, ध्यान रखिएगा, एंटर की प्रेस करेंगे तो एक ही सेल में आएगा। आपने क्या चाहा था कि सभी सेल्स में आपका एक साथ टोटल आ जाए, तो सभी सेल्स में आपका एक साथ टोटल तब आएगा जब आप इक्वल्स टू दबाएंगे पहले सेल से, सबको एक साथ सेलेक्ट करके इक्वल्स टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पर आप सिलेक्शन करेंगे कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, B4 से लेकर F4 तक, ब्रैकेट को क्लोज करें। इसके बाद सभी सेल्स में एक साथ चाहिए तो उसके लिए हमें एरे रन करना पड़ेगा, जिसके लिए कंट्रोल के साथ आपको एंटर की प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करने से क्या होता है, वो सभी सेल्स में टोटल्स एक साथ दे देता है। ऐसे ही आप अगर इंडिविजुअल एवरेज आपको चाहिए तो इक्वल करके एवरेज फंक्शन लगाते हैं, इक्वल्स टू करके एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ड्रैग करते हुए, ध्यान रखिएगा टोटल को कभी भी एवरेज में सेलेक्ट नहीं करते, केवल सब्जेक्ट्स के नंबर को ही सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर की, तो एक में एवरेज आ गया। या तो इसको पकड़ करके आप नीचे को ड्रैग कर लीजिए, या इन सभी सेल्स को ऐसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, तब भी आपके नीचे को ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी आ जाती है, सभी सेल्स में सभी के फॉर्मूले। देखिए यहाँ पर आपका कहाँ से कहाँ तक फॉर्मूला लगा हुआ है रेफरेंसेस में, B4 से F4। इस सेल में कहाँ से लगा हुआ, B5 से F5, क्योंकि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका एवरेज करना था। तो एज इट इज़ ये सबको लेता हुआ आएगा। एज इट इज़ यहाँ अगर आप मैक्सिमम वैल्यूज निकालते हैं तो मैक्स लिखेंगे, इक्वल्स टू करके ब्रैकेट शुरू करेंगे, पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना है, कहाँ से कहाँ तक चाहिए लेफ्ट एरो की से आइए, यहाँ से करना है शिफ्ट की प्रेस करके मैक्सिमम वैल्यूज़ मुझे कहाँ तक सेलेक्ट करनी है, साइंस के सब्जेक्ट तक, F4 तक, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर की, आ गया। एज इट इज़ मिनिमम नंबर निकालना है, इक्वल करके मिनिमम देखे MIN लिख के ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट के साथ आपने फिर वही वैल्यू सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, देखिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल निकाला इसने सभी सेल्स का, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सेलों का सभी का टोटल किया है, एवरेज निकाला, मैक्सिमम वैल्यू किस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स सबसे हाईएस्ट है, 79 इज द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट, ये दिखा रहा है यहाँ पे, और 58 इसके सबसे लोवेस्ट यानी कि मिनिमम मार्क्स हैं। एज इट इज़ इन्हीं को मैं सेलेक्ट करके नीचे को लेके कंट्रोल के साथ डी प्रेस करता हूँ तो सभी फॉर्मुलेशन यहाँ अप्लाई एक साथ हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड या स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार हो जाता है और आपके ये चारों फंक्शंस यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। देखिए ये फॉर्मुलेशन का तरीका है सम और एवरेज का, टोटल और एवरेज निकालने का। इसी तरीके से आप मैनुअल से भी निकाल सकते हैं। वो मैनुअल से निकालने का तरीका क्या है, जैसे सपोज करो मैंने साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स का टोटल करना है तो यहाँ इक्वल्स टू करके आप एक एक करके सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे F4, फिर प्लस की प्रेस करा कीबोर्ड से, फिर यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा, F5 को सिलेक्ट किया, प्रेस करा F5 लेने के बाद प्लस की प्रेस करा, फिर उसके बाद 62 वाला सेल जो आपका क्या है F6, फिर प्लस की प्रेस करा कीबोर्ड से, फिर इस तरीके से प्लस करते जाइए, सभी एक एक सेल्स को सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ मैन्युअली करना चाहते हैं तो मैन्युअली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा। एज इट इज़ इसकी एवरेज निकालनी है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप देख लीजिए आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में 100 में से नंबर दिए जाते हैं तो इक्वल्स टू करो इस टोटल को सिलेक्ट करने के बाद इनटू 100 डिवाइडेड बाय 900, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स थे, एंटर की, ये इसकी एवरेज निकल गई। सिर्फ एक सब्जेक्ट की, सभी स्टूडेंट्स की क्या एवरेज सब्जेक्ट की वैल्यूज़ है वो दिखा रहा है। ये मैनुअल है तरीका, तो मैनुअल के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमने आपको जो एक्सेल हमारे को प्रेफर करता है फंक्शंस, उन फंक्शंस को लगाना बताया, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। अब हम बात करते हैं काउंट की। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास मैथ्स में जो स्टूडेंट्स हैं टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, अभी आपने देखा यहाँ पर मुझे एक एक करके काउंट करना पड़ा, तो काउंट करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। अब ये तो कॉमन सी बात है ना कि जिस बच्चे के यहाँ पर मार्क्स मेंशन है तो वो बच्चा प्रेजेंट होगा, तो मैं काउंट का फंक्शन यहाँ लगाऊंगा, इक्वल टू करके काउंट लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू, और कहाँ से मुझे काउंटिंग करनी है, यहाँ से,
जहाँ से मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ तक काउंटिंग करनी है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मुझे मेंशन कर रहा है कितने हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने काउंट का फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन दिखा रहा है कितनी, 9। अब सपोज करो हिंदी में एक बच्चा हमारे पास है जो एबसेंट हो गया, मैंने यहाँ उसकी एबसेंट लगा दी, इस तरीके से एबसेंट लगा दी, दूसरा बच्चा भी एबसेंट था। अब इसकी अगर मैं काउंटिंग करूँगा तो कितने स्टूडेंट्स ये मुझे दिखाएगा, इक्वल्स टू काउंट्स करके, यहाँ से मैंने इसका सेल रेफरेंस या रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर की, तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट दिखा रहा है, 7। और अगर मुझे निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले तो मुझे पता है कि यहाँ पर है, लेकिन फिर भी अगर मुझे ना पता होता और मुझे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे निकालना है, तो उसके लिए मैं फंक्शन लगाऊंगा काउंट ए और ब्रैकेट शुरू करके फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ उतने ही रेंज को, कहाँ से, C4 से लेकर C12 तक, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर की, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है उनकी वैल्यूज दिखा रहा है आपको कितनी, 9, मतलब प्रेजेंट नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल क्या है उनकी बता रहा है, मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 9 है, और जो प्रेजेंट है उनकी वैल्यू कितनी है, 9, जो प्रेजेंट है 7 है सॉरी, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 9, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 7। तो इस तरीके से काउंट और काउंट ए फंक्शन बेसिकली क्या करता है और काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है उनके बारे में बताना चाहूँगा। काउंट फंक्शन केवल नंबर वैल्यूज़ वाली सेल्स को ही काउंट करके बताता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर वैल्यूज़ हैं उनको काउंट कर रहा है, एज इट इज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज सेलेक्ट करी उसमें दिस सेल, दिस सेल, दिस सेल, दिस सेल और दिस एंड दिस एंड दिस ऑल्सो, ये वाला सेल और ये वाले सेल की वैल्यू को ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट मैटर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, टेक्स्ट मैटर है। और काउंट ए फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों सेलों को क्या करता है, काउंटिंग करता है, इसलिए यहाँ पर ये सभी का टोटल करके दे रहा है। तो आपको काउंट और काउंट ए फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है लेन, लेन को बोलते हैं लेंथ कमांड। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक नेम लिखता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ, मैंने मनोज कुमार लिखा। अब यहाँ पर अगर मैं काउंटिंग करना चाहूँ कि मनोज स्पेस कुमार के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर्स की क्वांटिटी क्या है, तो इक्वल्स टू दबा करके लेन कमांड को अगर मैं एक्टिव करता हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, पूछता है टेक्स्ट किसकी काउंटिंग करनी है, दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर की प्रेस करो, तो यहाँ ये बता रहा है कितने करेक्टर्स हैं मनोज और स्पेस कुमार के अंदर, 11। अगर आप करेक्टर्स की वैल्यूज़ को काउंट करेंगे तो ये दिखाएगा 10 ही, लेकिन बीच में जो एक स्पेस है ये स्पेस को भी काउंट करेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर स्पेस दिया है, वो भी करेक्टर्स की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। लेन कमांड क्या करता है, करेक्टर की वैल्यू को काउंट करके देता है आपकी। अगर फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैं लिखता हूँ केवल M, एंटर की प्रेस करता हूँ, तो एक M A N O J 5 करेक्टर्स हैं, एंटर की, तो कितने हो गए, 5। अगर मैं स्पेस देता हूँ तो कितना आएगा, 6, और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कुमार, एंटर, ठीक है। तो लेन कमांड क्या करता है, लेंथ ऑफ करेक्टर्स की वैल्यूज़ को काउंट करके देता है। अब एज इट इज़ लास्ट आपका फंक्शन आज का है ट्रिम। ट्रिम करना क्या होता है, जैसे मैं कई बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है, कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि जब डेटा किसी और शीट से कॉपी करके यहाँ पर पे लेकर के आते हैं, किसी सेल्स में रखते हैं, तो उसमें अनवांटेड स्पेस बहुत सारा आ जाता है। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा अमित कुमार, एक ही स्पेस है, दूसरा मैंने लिखा सुमित, यहाँ बहुत सारा स्पेस आ गया, कुमार लिख दिया, यहाँ पर लिखा कमल, स्पेस आ गया, यहाँ लिखा उमेश, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यही मत लिखिए। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से जो अनवांटेड स्पेसेस हैं उनको हटा दो, मुझे केवल एक ही स्पेस चाहिए, तो अब एक या दो स्पेस होते, एक या दो अगर वैल्यूज़ होती, तो आप इजीली इसको F2 प्रेस करते। देखिए किसी भी सेल में अगर एक्सेल में आपको एडिट करना है तो F2 प्रेस करना पड़ता है, या डबल क्लिक करेंगे तभी आप इंटरसेक्शन पॉइंट को आगे पीछे लेके जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ एडिट करना चाहेंगे तो सेल आपका डिलीट हो जाता है कुछ लिखना चाहोगे तो। तो मैंने क्या किया, F2 प्रेस करके एक एक करके इनके स्पेस को हटाऊंगा, तो उसकी बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वल्स टू करके एक फंक्शन आता है ट्रिम, ट्रिम लगाता हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर कर देता हूँ इसको सेलेक्ट टेक्स्ट को और ब्रैकेट करता हूँ क्लोज, एंटर। और जैसा कि आपको पता है इसको अगर मैं नीचे को ड्रैग करूँगा तो सभी में फॉर्मूला लग जाएगा, तो देखिए सभी के अनवांटेड स्पेस हट गए ना। तो इस तरीके से आप ट्रिम के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक बेसिक फीचर्स जो है, आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं ना तो यहाँ आपका ये डिलीट हो जाएगा,
आपका टैक्स मैटर हाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सेल रेफरेंसेस है, मैंने बोला था ना एक्सेल सेल रेफरेंसेस बेसिस पर काम करता है, इसका सेल रेफरेंस क्या है, ये है, क्या है, ए और 16। क्योंकि हमने ए 16 को डिलीट किया तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके अंदर के फॉर्मूले को हमें हटाना पड़ेगा। उसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना होगा, इस डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पर कर्जर रख के पेस्ट स्पेशल पर जाके एज ए वैल्यू पेस्ट कर देना है, तो यहाँ से ये फॉर्मूले हाइड हो जाते हैं। अब अगर आप इस सोर्स को डिलीट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्यूरेट फंक्शन मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे। तो आप इसको अंडू कर लीजिए क्योंकि आपको फंक्शन सीखना है। अभी हम फंक्शंस के बिहाफ पर काम करेंगे और सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। तो आज की क्लासेस को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा ताकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बाकी आगे की क्लासेस में और भी मैं फॉर्मुलेशन आपसे डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। बहुत सारे एक्सेल के बेसिक फॉर्मुलेशंस हैं, बहुत सारी बेसिक ट्रिक्स हैं, कुछ मैजिक ट्रिक्स हैं इनके बारे में, तो इसके लिए बहुत सारा टाइम भी लगेगा। तो आप डेली के डेली मेरी इन क्लासेस को अप टू डेट होते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए, और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों।